नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूजा पाठ और त्यौहार में नारियल का बड़ा महत्व है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो अपने साथ तीन चीज़ें लेकर के प्रभु प्रकट हुए थे। लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु लाए थे साथ में, इसलिए नारियल के वृक्ष को श्री फल भी कहा जाता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और अर्थात नारियल लक्ष्मी विष्णु का फल। नारियल में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और शिव का वास कहा गया है। श्री फल भगवान शिव का परम प्रिय फल होता है। ऐसी मान्यता है कि नारियल में बनी तीन आँखें वो त्रिनेत्र के रूप में जानी जाती हैं। श्री फल खाने के लिए अगर कोई खाता है तो उसकी शारीरिक दुर्बलता नष्ट हो जाती है। अपने इष्ट देव को अगर कोई नारियल चढ़ाता है तो उसकी धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। और अगर भारतीय पूजन पद्धति की हम बात करें तो श्रीफल अर्थात नारियल का बहुत स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण। और कोई भी वैदिक दैविक जो अनुष्ठान किया जाता है, पूजा की जाती है, और ऐसी प्रणाली है कि श्रीफल के बलिदान के बिना वो अधूरी मानी जाती है जब तक नारियल ना फोड़ा जाए, नारियल ना चढ़ाया जाए। और आप किसी देवी के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ नारियल ज़रूर चढ़ता है, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नारियल चढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती। इसका अर्थ यह है कि श्रीफल जो है वो बीज का रूप है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये प्रजनन का कारक माना गया है। श्रीफल को प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। स्त्रियों बीज रूप से शिशु को जन्म देती हैं और इसलिए नारी के लिए बीज रूपी नारियल को फोड़ना अशुभ माना गया है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं, नारियां नहीं फोड़ती। शनि की शांति हेतु नारियल के जल से अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, रुद्राभिषेक करता है शास्त्रीय विधान से, तो उसकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं और शनि भी शांत हो जाते हैं। तो वैदिक परंपरा के अनुसार श्रीफल नारियल जो है वो सुख समृद्धि और उन्नति और सौभाग्य का सूचक माना गया है। किसी को सम्मान देने के लिए उन्हीं शाल के साथ साथ श्रीफल भी दिया जाता है और भारतीय रीति रिवाज जो है उसमें शुभ शगुन के तौर पर भी नारियल दिया जाता है। विवाह को सुनिश्चित करने के लिए जो भेंट है तिलक के समय वो श्रीफल ही नारियल ही दिया जाता है। विदाई के समय नारियल और धनराशि भेंट में दी जाती है। यहाँ तक कि नारियल की इतनी महिमा है कि अंतिम संस्कार के समय भी चिता के साथ नारियल जलाए जाते हैं। वैदिक अनुष्ठान और कर्मकांड में सूखे नारियल भी हवन जब हम करते हैं तो सूखे नारियल भी चढ़ाए जाते हैं। ये श्रीफल बहुत कैलोरी से युक्त होता है और ये बहुत ठंडा होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और दोस्तों, अगर किसी को निद्रा ना आती हो तो सोते समय नारियल का पानी अगर कोई पिए तो उसकी नाड़ी को बहुत बल मिलता है, निद्रा अच्छी आने लगती है। इसके पानी में पोटेशियम क्लोरीन होता है जो माँ के दूध के समान होता है, इतना पौष्टिक होता है। और जिन शिशुओं को दूध भी नहीं पचता उन्हें दूध के साथ नारियल पानी मिला करके पिलाना चाहिए। इससे डिहाइड्रेशन होने पर नारियल पानी में नींबू मिलाकर पिलाना चाहिए। और गिरी खाने से काम शक्ति बढ़ती है। मिश्री संघ खाने से स्त्री की शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। और अगर कोई गर्भवती नारी है तो नारियल का पानी भी पिए और नारियल को खाए भी तो उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। उसकी संतान बहुत गोरे रंग की होती है। तो अगर आप भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, नारियल को आप उपयोग में लाना चाहते हैं तो अवश्य ही, और कोई महिला अगर गर्भवती है तो जरूर नारियल का फल प्रतिदिन खाए थोड़ा ही भाग, तो उसका पुत्र बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा, बहुत गोरा होगा। वो भले ही माता पिता उसके जो है वो सांवले या काले रंग के हों, लेकिन उसकी संतान जरूर ही गोरी होगी। तो दोस्तों, आप भी नारियल को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को धन्य करें और सुख समृद्धि प्राप्त करें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।